घूम साथ से जाए वाला बाना और कहा जला कि मूलक बाद लड़का ही नाके काने में कसम नहीं निकली तो काट ले सो कोई चीज लगा बिल्कुल कुछ नहीं खे जाए एवरा जितना भजन सत्संग कीर्तन कर ली वो साथे जाए वाला बाबा की साथ छोड़ के जाए उधो जी गेनी ब्रज के प्रेम देखे और जब वृंदावन में पहुंचल बानी तो सखी लोगन के देखले बानी कि मटका में पानी भरे ले ले निकलल रहे पूछत नहीं कि नंद जी के दुवरिया कौन रही आ जाई तो इतना बात ये भी पूछने कि तोले में से एक जो सखी बोल दे ले ए रुआ मथुरा से आवत नहीं का उदो जी कहानी की हम तो अभी खाली एने कुछ नहीं अपन लिखल नहीं करना कि हम मथुरा से आवत हैं ये लोग के जानकारी कैसे हो गई है कहा घनश्याम ने उधो से वृंदावन चले जाना कह के एक बार उधो जी भगवान से कहले बनी कि आखिर ब्रजवासी लोग कितना प्रेम कर लगे लोग 24 घंटा वही लोग याद कर कह के एक बात जान ले कि जोने बेरा रहुआ भगवान के याद करी ले ओबरा उनो करूरा के याद करत रहे भगवान कहनी है उधो जी कहा घन श्याम ने उधो से वृंदावन चले जाना कहा कि गोपियों को ज्ञान के पूछ तत्व समझाना विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है तड़प करे आह भर भर करके दिन रात कहती है अब वो जो चिट्ठी लिख के देने भगवान पहला लाइन में लिखने नंद बाबा और जसोदा मैया के प्रणाम आ दूसरा लाइन में सब गोपी लोगन के आशीर्वाद लिख ले वाले चिट्ठी दे देने उधो जी पहुंचल वाले और कहने के तनी चल के देखी कि आखिर कितना प्रेम बाब ब्रजवासी लोगन में आ जाके ज्यों कहने के नंद जी के दुवरिया कौन रही है जाई तोले सखी कह रो वो मथुरा से आवत नहीं का कहने पर लिखल नहीं ना अब के पूछे कहने की बताई कि अरे वो लोगन जननी है कैसे कि हम मथुरा से आवत है सखी लोग अरे का बताई पूछवे दिन बीतल पहले अक्रूर जी इनी कोहे के तो वहां के अक्रूर बानी लेकिन बानी महाक्रूर ई कैसे ओइनी तो कहने की आज लिया के जाता नहीं हमरा कान्हा के लेके गई नहीं आ कहने की बिहान मथुरा के मेला बा आ परसों मेला घुमा के लेके आ जा बस ओई परसों के इंतजार में हमने बैठल थे अब ही ले आइले ना सखी लोग कहा था उधो जी से नागन बैठी राह में की बिरहन पहुंची आ हे नागन डर गई आपसे कि बिरहन डस न जा और देखिए बीस कहां कहां होला नाहर के नख में बसे दंते बसे भुजंग अपीछी की पूछ बसे विरहन के सब सखी लोग कहता ऐ उधो जी कही के गईले आई रे परसों